क्या हम उसी पर जाते हैं हम लोग बाहर, ऐसा उदास हो गया, उदास हो गया, उदास उदास हो गया। क्लोई क्या कहती? ए क्या हुआ? बस बस शाबाश बस 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 क्या हुआ मम्मी? कॉन्ग्रेचुलेशंस तेरे नाम पे गाड़ी हो, मेरे को कांग्रेचुलेशंस। Hey guys, what's up? So, आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बर्गमैन स्ट्रीट की डिलीवरी लेने। So, let's get started. So, guys, अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें मैं अपनी बर्गमैन स्ट्रीट की पीडीआई करने जा रहा था तो वो वाला व्लॉग बनाया मैंने और इन डिटेल किसी भी व्हीकल की पीडीआई कैसे करते हैं उसका भी मैं इन डिटेल व्लॉग बनाने वाला हूँ। वो नॉन गियर टू व्हीलर जो मेरे पास अभी बर्गमैन आएगी उस पर दिखाऊंगा और अगर गियर वाली को भी आप बाइक ले रहे हो ऐसा कुछ ले रहे हो तो उसका भी पीडीआई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी R15 पे। और कार की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी आई कार्ड पे भी आ रही होगी और एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा कि कार की पीडीआई किस तरह से करते हैं, तो आप वो सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हमको निकलना है, 5 बजे पहुंचना है वहाँ पे शोरूम पे, तो फटाफट निकलते हैं। Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me. ये आ गया शोरूम। कल आया था, मैंने कल का व्लॉग में डाला था, यहीं पे आया था मैं। यहाँ से इनके गोदाम वोदाम आया था। तो दूसरी वाली एक्टिवा है हमारी, इसको भी एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ यही है। ये वाली एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, दोनों एक्टिवा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो पुरानी वाली एक्टिवा थी 2009 मॉडल, वो अराउंड 11,500 में गई और ये अब देखते हैं कितने में जाती है। दोनों एक्सचेंज कर डालेंगे तो क्या उसमें थोड़ा अपनों को नई गाड़ी ले रहे उसका उसमें थोड़ा माइनस हो जाए, डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा डिस्काउंट नहीं मतलब बेच डाले ऐसा। फाइट बर्ग मैंने वो मंगवाई है गोडाउन से और इसका मेरे को प्राइस बता रहे कि क्या प्राइस मिलेगा अभी, अगर यहाँ मिलता तो यहाँ, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी और कस्टमर है तो अगर उससे कम देता तो यहाँ नहीं देंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा देता तो ऑफकोर्स यही देंगे ना। चलो तो मैं अंदर इंतज़ार करता हूँ, लेट्स सी कि अपनी बर्गमैन कब आती है। ये मम्मी अंदर, ये वाली गाड़ी के पास तो अपनी ये है बर्गमैन नॉर्मल 94,978 प्लस RTO अदर चार्जीज ने जो भी टैक्स वैक्स लगा के 113,437 की हो जाती है। इसमें से 11,500 जो पहली एक्टिव है उसके माइनस हो जाएंगे और अभी ये 29,500 या फिर 30,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो टोटल हमको 70,000 के आसपास बनने के आएंगे। तभी देखते हैं गाड़ी आती है फिर प्रोसेस आगे ख़त्म करते। अब ये देख लो बाहर आया तो मेरे को क्या दिखी, पोर्शे। काइन है, काइन या केमैन जो बोलते हैं वो, मैं इसको कन्फ्यूजन बोल रहा है मेरे को। 911 भी आती है ना काइन, 911 के 718 आ रहे हैं। तो ये मैंने काउंट कर लिया और ये भी मैंने काउंट कर लिया, 25,000 है टोटल हमारा जो भी अमाउंट वगैरह आता है वो मैं आपको डिलीवरी बच जाएगी उसके बाद लास्ट में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो गाइस रिसीट मिल गई है मेरे को, बस अभी गाड़ी आ रही है, आती ऐसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे लगती है। ये गाड़ी आ गई है अभी, वो जो रिबेन वगैरह वो लग रही है तो मैं रिवील करता हूँ फिर कि कौन सा कलर लिया है। और मेरे को पता नहीं कि मैंने आगे ऑलरेडी बता दिया है कि नहीं बता दिया, बता दिया तो ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं बताया तो देख लेना कौन सा कलर लिया है। यहाँ अंदर एक ग्रीन वाले की डिलीवरी चल रही है फिर हमारी होगी। मम्मी ये वाली गाड़ी के साथ फ़ोटो शूट कराने का बोलते हैं, गाड़ी जाती है इसके लिए। तुम व्लॉग में कुछ बोलते क्यों नहीं हो, हंस हंस करते खाली है। तो अपनी गाड़ी आ गई गाइस, अभी फोटो वोटो खिंचाते हो प्रॉपर डिलीवरी लेते। Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full.
be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me, time strong. ये मम्मी नई गाड़ी पहली बार स्टार्ट करते हुए हो गई? अब उसकी स्टार्ट करो, दबाओ, ऑन करिए। हाँ ऑन है, हाँ ब्रेक दबा के करने का। तुम भी बुला देते हो, मेरे को भी बुला देते हो, ऐसा थोड़ी चले यार। देखो 1 किलोमीटर चले ली गाड़ी। चलो मम्मी चल दे। मेरे चलाने की चल, तो हेलमेट पकड़ लो। मैंने भी हेलमेट पहन लिया है और हम लेके निकलते हैं गाड़ी। चलो मैडम कहाँ छोड़ दो तुम्हारे को, घर। अच्छा बैठो, चलो मिठाई लेना है। शॉपिंग, मेरा वॉलेट खाली होता जा रहा है। कितना हुए? 410। मिठाई तो ले लो, 10 रुपये खुले। 20 की नोट है, दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये गई जबड़ी, अनबॉक्सिंग। ये हमारा छोटू। हेलो, कैसी लगी? अच्छी। अभी फोटो शूट चलेगा बाबा का, नवी गाड़ी के साथ फुल करा रहा अभी पेट्रोल, 3 लीटर आया। बस बस सो गाइस, ये वाली फीलिंग हर बाइक एंड कार गाय को बताओगी जब फ्यूल फुल होता है। 350 का यहाँ से डला है, उसके बाद 160 का हमने इंडियन ऑयल से डलाया था और 1 लीटर ऑलरेडी आया था इधर, मतलब 6.5-6 लीटर के आसपास की इसकी टाँकी हुई। और ये हो गई फुल, देख लो 8 किलोमीटर चले हुए सिर्फ। ये अंदर रख दी गाड़ी। अपना लूसी, क्लोई, लूसीफर। लड़ो लड़ो, कंटेंट मिला मेरे को। ब्लॉग हो रहा है, हाय बोल दो। लड़ो लड़ो बिग बॉस। देखो नानी झूले में बैठे। ये हमेशा हमको टीच करते हैं, मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाके आओ। और अब नया बहाना निकालते कि ये दोनों का क्या होगा, तो गाइस कुछ समझाओ इनको। हाँ तो तुम लोग चले जाओ ना, मैं घर पे रहता हूँ, बस जाओ। नहीं, सारी घर पे रहेगा दोनों बच्चों के साथ। ओके डन डन भाई, हम तो रह सकते। देखो घर पे मंगवा लो, सबसे बेस्ट। हाँ जोमेटो गोल्ड है ना, उस पर चार्ज भी नहीं लगे डिलीवरी का। फाइनली बर्गमैन की डिलीवरी लेके आ गए हम लोग, और ये आगे बैठ गए बाजू में आके। तो अब मैं आपको फाइनल प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ, क्या था, कितने का पड़ा, और जो एक्सचेंज में दी उसका क्या प्राइस आया वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हमने 2 एक्टिवा एक्सचेंज में दी, एक एक्टिवा 2009 मॉडल था वो 110 cc वाली वो, और एक एक्टिवा 2018 मॉडल था जो 125 cc वाली आती वो। तो टोटल प्राइस जो बर्गमैन स्ट्रीट की ऑन रोड थी विथ 2 एक्सेसरीज जो सुजुकी के शोरूम से आपको लगा के दी वो, तो वो हमको पड़ी 1,13,437 रुपीज़। उसके बाद उसमें से 11,500 प्लस जो 30,000 थे वो दोनों माइनस कर देंगे, प्लस इसमें हमने चॉइस नंबर लिया है तो उसके अलग से 2,500 हमें भरने पड़े। तो जो गाड़ी की टोटल वैल्यू बनती थी जो हमें पे करनी रही थी वो अराउंड होती है 72,500 रुपीज़। उसके बाद प्लस हमें और पे करने पड़े 2,500 चॉइस नंबर के, तो वो टोटल मिला के हमें 75,000 के अराउंड पे करने पड़े, प्लस जो 2 एक्टिव हमने एक्सचेंज में दी वो। तो ये टोटल खर्चा आया हमारा। अब कल मेरे को उसकी जो बिल वगैरह है, जो बुकलेट वगैरह है, वो सारी कलेक्ट करने जाना है, और उसी के साथ साथ मैं इसकी मॉडिफिकेशन के लिए भी चला जाऊंगा, तो उसका भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा। और अगर कल मैं उसको डाल दूंगा तो उसका भी लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप आज के आज देख रहे हो जिस डे को ये ब्लॉग अपलोड हुआ तो आज नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, बट आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारी गाड़ियों की PDI किस तरह करते हैं उसका भी होगा, और जिसमें इसमें जो मैं मॉडिफिकेशन कराने वाला उसका भी ब्लॉग का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। और अभी बस हम लोग खाना खाएंगे, तो लेट्स सी कि ये लोग ऑर्डर क्या करते खाना, वो देखते फिर। तो नानी की इडली खाने चाहिए तो इधर मिलेगी, इडली लेने आए इधर, फिर बाकी की चीज़ें बाद में लेंगे। क्या क्या लेते सब दिखाता हूँ मैं, शांति एकदम।
क्या इडली है ना? हाँ है। क्या एक प्लेट का? इडली का एक प्लेट का क्या है? और कितनी इडली आएगी अंदर? दो दो प्लेट कर दो ना पार्सल। तो ये अपनी नानी की इडली ये ले लिया। उसके बाद साला घर वालों की लिस्ट ही जा गई मेन्यू की। अक्की होटल खाने की ऐसी बात करते साले। बोले फ्राई राइस लाओ, बोले बाबा बोले पिज्जा लाओ, इडली लाओ, सब अलग अलग सब अलग अलग मांगते है। अभी इडली लेके आता हूँ नानी को, फिर मैं ये फ्राई राइस ना जो भी बोलते हैं ना वो सब लेके आता हूँ। मेरे अपनी गाड़ी और मैं अभी हैदराबाद हट में आया हूँ फ्राई राइस लेने के लिए। तो आते तो मैं दिखाता हूँ यार, यहाँ के फ्राइड राइस बहुत जोरदार आते हो यार, कभी आओ तो ट्राई करना। क्या गया अपने चिकन फ्राइड राइस, ये सब सामान लेके आया मैं, अभी दिखाता हूँ घर जाके क्या क्या है। तो ये अपनी लॉलीपॉप ड्राई, मेरे तेल निकला है, प्लस अपने ये क्रीम वाले टिक्के है, इसमें से भी सब वो है वो बाहर निकला है, प्लस अपनी तंदूरी हाफ, इसके अंदर दो पिज्ज़ा है, ये फ्राई राइस जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो, इसके अंदर चॉकलेट बॉल्स है, और ये कोल्ड ड्रिंक साथ में लाया हूँ जीरू और थम्स अप। वो बस इतना अब ये लाया हूँ, और वो नानी के लिए जो इडली लाया था पहले वो दिखा दी मैंने, वो लोग ने तो खा ली, मेरे को लाने में बहुत देर हो गई इसके लिए। चलो मम्मी खाना खा लिया जल्दी की बैठ जाओ। ये बाबा का पिज्ज़ा है ये, और हम तीनों भाई के लिए चॉकलेट बोल रहा है मैं, फिर ये फ्राइड चिकन, अरे ये फ्राइड राइस विद चिकन जो हैदराबाद हट वाले मैंने दिखाया ना वो, ये लॉलीपॉप ड्राई तुम्हारी और साइलू की। मेरे आज का अपना डिनर, और तो यही था आज के ब्लॉग में गाइस। होप कि आपको पसंद आया आज का ब्लॉग, अगर पसंद आया हो तो अच्छी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर गाइस। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even